हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी जीके ट्रिक में। आज दोस्तों हम आपके सामने फरवरी के महीने के सभी करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों हम ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 बार की जिस ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है तो उसका नाम क्या है? तो दोस्तों यह है रूस की खिलाड़ी मारिया शारापोवा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचलशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य के आनंद जिले के खम्भात शहर में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के संवेदनशील हिस्सों को अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है दोस्तों गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जो देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है तो दोस्तों यह है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, हाल ही में जिस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया तो दोस्तों यह है PV सिंधु। ठीक है दोस्तों, यह ओलंपिक में रजत पदक विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह देश जिसके साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है तो दोस्तों यह है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस में भारत का राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है वह कौन है? तो दोस्तों यह है जावेद अशरफ। नेक्स्ट दोस्तों, जानेज जनसा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जानेज जनसा चुने गए। नेक्स्ट है, जिस राज्य विधानसभा द्वारा NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पर NPR बनाने का निर्णय लिया गया तो यह है बिहार में। नेक्स्ट है दोस्तों, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार जो विश्व का सबसे अमीर शख्स है तो दोस्तों यह है अमेजन के CEO जेफ बेजोस। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो को बनाया गया नेविगेशन सिस्टम NAVIC इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई तो दोस्तों यह है रियलमी ब्रांड में। नेक्स्ट है दोस्तों, ONGC और HPL ने जिस कंपनी में 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है तो यह है दोस्तों पेट्रोनेट MHB। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, वह देश जिसे पाकिस्तान की टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बतख दल भेजने की घोषणा की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह चीन ने की है और 1 लाख बतख पाकिस्तान में टिड्डियों को मारने के लिए भेजी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की गई तो यह है SN श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, हाल ही में जिस देश में तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अवायवी स्वशासन करने वाले जीव हेनेगुया साल मिकोना की खोज की तो दोस्तों यह है इजराइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, वह उच्च न्यायालय जिसने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया तो यह केरल उच्च न्यायालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति में कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी गई तो यह है 1480 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस देश के राष्ट्रपति यू विद मित के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए तो यह है म्यांमार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश में फूड प्लैनेट प्राइज नाम की $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है तो यह है स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, भारत और जिस देश ने भारतीय क्षेत्र की संपदा कामगारों के लिए श्रीलंका के किसी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो यह है दोस्तों श्रीलंका में। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश का अगला केंद्रीय सतर्कता आयोग नियुक्त किया गया तो यह है संजय कोठारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, अमेरिका जिस देश को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है तो दोस्तों यह चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक विश्व के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में भारत कितने नंबर पर रहा तो दोस्तों भारत यह 21वें नंबर पर रैंकिंग रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देश जिसके पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो यह है मिस्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयिक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में जिस शहर में किया गया तो यह नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई प्रमुख जल संरक्षण परियोजना जलयुक्त शिवार को समाप्त कर दिया, तो यह महाराष्ट्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलों में इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो दोस्तों यह किया गया ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिल्म हिंडन फिगर से प्रसिद्ध हुई नासा की गणितज्ञ का नाम जिसका 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो दोस्तों यह है कैथरीन जॉनसन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ले लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने जिस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग के आरोप के कारण 7 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों यह है यूसुफ अब्दुल रहीम अल बालूसी। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जिस दक्षिण एशियाई देश में बाल कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है घटा है, तो यह है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय शहर जिसमें स्थापित राज्य युद्ध स्मारक की 25 फरवरी 2020 को पहली वर्षगांठ मनाई गई, तो यह दिल्ली में मनाई गई। नेक्स्ट है, भारत द्वारा 2022 में जिस शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, तो यह चंडीगढ़ में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, मेलोनिया ट्रंप द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिस शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए विशेष दौरा किया गया, तो यह है हैप्पीनेस क्लास। नेक्स्ट है, वह देश जिसमें 2003 में नज़रबंद बौद्ध भिक्षु थिक कांग डग का हाल ही में निधन हो गया, तो यह वियतनाम से रिलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, वह राज्य सरकार जिसने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता हेतु जगन्ना वसाटी दिवेना योजना आरंभ की, तो यह आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया, तो यह राम निवास गोयल को चुना गया। हाल ही में नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक चुना गया अभय कुमार सिंह को। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग लिया गया, तो यह कार्यक्रम था नमस्ते ट्रंप और इसका बहुत ही स्वागत किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, वह राज्य जिसके द्वारा दारा सिखों की कब्र ढूंढने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का 4 सदस्य पैनल गठित किया गया, तो यह दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, वह देश जिसने लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करने का आह्वान किया है, तो यह नाइजीरिया में हुआ है। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वाइड एजुकेटिव फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को प्राप्त स्थान हुआ है, तो यह 35वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह संस्था जिसने हाल ही में ग्लोबल फ्लरिशिंग इंडेक्स जारी किया जिसमें भारत कौन से स्थान पर रहा, 131वें स्थान पर रहा, तो यह है, तो दोस्तों यह यूनिसेफ के द्वारा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह खिलाड़ी जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया है, तो दोस्तों यह है न्यूजीलैंड के रॉस टेलर। नेक्स्ट दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है, तो यह है यूनाइटेड बाई इमोशन। नेक्स्ट है दोस्तों, इन्होंने हाल ही में लिवा मिस डिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है, तो यह है एडिना कैस्टोलिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह राज्य सरकार जिसने थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान बताया है, तो यह महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट, मलेशिया के प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, तो यह है महातिर मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहते हैं दोस्तों, चीन ने जिस देश की एक एंटीवायरल प्रायोजिक दवा रेमडेसिविर पर पेटेंट के लिए आवेदन किया है, तो यह है दोस्तों अमेरिका से। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा, तो दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य ने किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिस देश के चितेत्सु वातानबे को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है, तो दोस्तों यह है जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, वह राज्य जिसने ताल्लुक रखने वाले 3 आदिवासी समुदायों परिवार तलवार और सिद्धि को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक 2019 को हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित किया है, तो यह कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण यहाँ किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में उद्घाटन किया गया, तो यह था दोस्तों गुजरात में। ठीक है दोस्तों, मोटेरा स्टेडियम। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में महिला दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों यह भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में 12 फरवरी 2020 को जिस देशों के लिए एक प्रस्ताव पारित करके दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की गई, तो यह है लीबिया से। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन से होने वाले प्रदूषण से जिस देश को सालाना 10.7 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होता है, तो दोस्तों यह है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करते ही जो राज्य ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित बन गया है, तो दोस्तों यह है पुदुचेरी। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 सरकारी बीमा कंपनियों को जितनी राशि निवेश करने की हेतु मंजूरी दी है, तो दोस्तों यह 2500 करोड़। नेक्स्ट है दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस शहर में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु बिमस्टेक सम्मेलन का आयोजन किया है, तो दोस्तों यह हुआ है दिल्ली में।
नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जिस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है, तो यह मनप्रीत सिंह को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में जिस अभियान की शुरुआत की है, तो यह है रीडिंग मिशन हरियाणा। नेक्स्ट, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में जिसे एयर इंडिया का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, तो यह है राजीव बंसल। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों, वह राज्य सरकार जिसने जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद के मानदंडों को बदलाव की मांग की है, तो यह राजस्थान सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है, तो यह रखा है सुषमा स्वराज भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी के निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है, तो यह आंध्र प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो यह 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस राज्य के लोनावला में भारतीय नौसेना की INS शिवाजी को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए, तो यह महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, वह देश जिसने भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली बेचे जाने की मंजूरी दी है, तो वह अमेरिका है। वह राज्य जिसके द्वारा घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक लाया गया 2020 को मंजूरी प्रदान की गई, तो यह उत्तर प्रदेश में की गई। नेक्स्ट दोस्तों, सार्वजनिक उपकरण सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार इस अवधि में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी है, तो यह है ONGC। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे, तो दोस्तों यह वित्त सचिव के होंगे। WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा गया, दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और करंट का है, तो इसे दिया गया COVID-19। नेक्स्ट दोस्तों, वह दिन जब प्रत्येक वर्ष यूनानी दिवस मनाया जाता है, तो यह 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने दल झारखंड विकास मोर्चा का विलय भाजपा में करने का आधिकारिक घोषणा की है, तो यह है बाबूलाल मरांडी। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने स्टेप विद रेफ्यूजी अभियान प्रारंभ किया है, तो यह है UNHCR। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, वह क्षेत्र जिसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया, तो कावेरी डेल्टा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य जिसने महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस सेवाओं पर क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो यह पंजाब में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व भर में जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है, तो यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसे हाल ही में FIH द्वारा 2019 के सर्वश्रेष्ठ उदयमान महिला खिलाड़ी चुना गया, तो यह है लाल रे मिसियामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, RBI की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर को जितने प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, तो यह 5.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, तो यह फिल्म है दोस्तों पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हाल ही में जिस राज्य द्वारा पेश किए गए बजट में यह घोषणा की गई कि 3 महीने में 75 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, तो दोस्तों यह है पश्चिम बंगाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, सूर्य के ध्रुवों की सबसे पहली तस्वीरें लेने के लिए सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्षयान जिस देश में लॉन्च हो गया है, तो वह है अमेरिका। दोस्तों आप यह सब हमारे ऑफिशियल चैनल स्टडी GK ट्रिक में देख रहे हैं। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके सामने लेके आते रहे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हाल ही में जिस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की, तो यह हरियाणा ने की है। वह दिग्गज क्यू खिलाड़ी ने जिसने विश्व पंकज अडवाणी को फाइनल में 6-2 से हराकर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली, तो दोस्तों यह है आदित्य मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई, तो केरल ने यह किया है। नेक्स्ट है, भारत और इंग्लैंड के बीच जिस नाम से 13 फरवरी 2020 से संयुक्त युद्धाभ्यास आरंभ किया जाएगा, तो यह है दोस्तों अजय वारियर नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा 200 किलोमीटर तक मार करने वाली जिस मिसाइल को सेना और वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है, तो दोस्तों इस मिसाइल का नाम है प्रनास। नेक्स्ट दोस्तों, पहला गिरमिटाया नामक उपन्यास के लेखक का यह नाम है जिसका हाल ही में निधन हो गया, तो दोस्तों गिरिराज किशोर का फरवरी में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में जो दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अनकोबर करने वाली कम उम्र की लड़की बन गई है, तो दोस्तों यह है काम्या कार्तिकेन। उस प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक का नाम जिसकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है, तो दोस्तों यह है SS वासन के द्वारा। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन जिस शहर में किया गया, तो यह मुंबई में किया गया। जिस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप में जीता है, तो दोस्तों यह बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है दोस्तों,
वह राज्य सरकार जिसने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल से पुरानी सरकार डीजल वाहनों के परिचालन में पूरी तरह रोक लगा दी तो यह बिहार में किया गया। नेक्स्ट, पाकिस्तान के जिस तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज बने हैं तो दोस्तों यह है नसीम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने जिस भारतीय बैडमिंटन को 2019 को लाइफ टाइम अचीवमेंट देने की घोषणा की है तो दोस्तों यह मिला है पुलेला गोपीचंद को। नेक्स्ट है, जिसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो दोस्तों यह वह है वॉकिन फिनिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु जिस पुलिस स्टेशन की स्थापना की तो दिशा पुलिस स्टेशन की। हाल ही में राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा की कि उसने नए संभावित मिशनों की अवधारणा संबंधी अध्ययन हेतु जिसने अनुसंधान कार्यक्रम का चयन किया तो दोस्तों यह है चार। हाल ही में ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया नामक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार जिस देश में जीवाश्म ईंधन का उपयोग के कारण होने वाले वायु प्रदूषण लगभग 490 मिलियन कार्य दिवसों को नुकसान का कारण है तो दोस्तों यह भारत में हुआ है। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तो यह है काशी महाकाल एक्सप्रेस। वह राज्य सरकार जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ देने की घोषणा की है तो यह हरियाणा ने की है। ओडिशा सरकार ने हाल ही में किस राज्य के महंगाई भत्ते में जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है तो यह 5%। भारत और पुर्तगाल ने हाल ही में समुद्री बौद्धिक संपदा अधिकार हवाई क्षेत्र और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया तो दोस्तों भारत और पुर्तगाल ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, आयकर विभाग के अनुसार यदि स्थायी खाता संख्या पैन को जितने तारीख तक आधार से नहीं जोड़ा जाता तो निष्क्रिय हो जाएगा तो दोस्तों यह 31 मार्च लास्ट डेट दे दी है, 31 मार्च तक आधार और पैन कार्ड को जोड़ना जरूरी है। हाल ही में जिस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब सेवा शुरू की गई तो यह महाराष्ट्र में की गई। वह देश जो वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी करेगा तो यह भारत करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप में जिस देश के पहलवान हिस्सा नहीं लेंगे तो चीन के पहलवान हिस्सा नहीं लेंगे। हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया तो यह नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और जिस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में RBI ने जितने करोड़ रुपए की न्यूनतम भुगतान पूंजी के साथ खुदरा भुगतान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली अखिल भारतीय नई अम्ब्रेला इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव किया है तो दोस्तों यह 500 करोड़ रुपए की है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में घोषणा की जिस केंद्र शासित प्रदेश को जल्दी से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दायरे में लाया जाएगा तो दोस्तों यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। नेक्स्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए कितने वार्ताकारों को नियुक्त किया है तो यह 3 को किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने मुगल बादशाह शाहजहां के जिस बेटे की दिल्ली में कब्र खोदने हेतु पुरातत्व विभाग का पैनल गठित किया तो दोस्तों यह है तारासी को। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में अटल भूजल योजना के लिए जितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया यह 450 मिलियन डॉलर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के अनुशासन पैनल ने जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अमित दहिया पर जितने साल का बैन लगाया तो यह 4 साल का बैन लगाया है। नेक्स्ट है दोस्तों, साख निर्धारण और बाजार अनुसंधान कंपनी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत बताया है तो यह 5.4% बताया है। नेक्स्ट है दोस्तों, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 19 फरवरी को मनाया जाता है। स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार जिस देश में 29% पक्षियों की तादाद घटी है तो यह है भारत में। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के जिस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 4th राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा तो यह है उदयपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों, लियोनेल मेसी जिसने संयुक्त राष्ट्र लॉरियल वर्ल्ड रिपोर्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का पुरस्कार जीत लिया है तो यह है लुइस हैमिल्टन में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार जिस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में 1% वृद्धि दर्ज की गई तो यह मध्य प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन के 87 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जो पदक जीतकर इतिहास रचा है तो दोस्तों यह स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जितने करोड़ रुपये का बजट पेश किया तो दोस्तों यह है 512.8 करोड़ रुपये। वह देश जिसने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल RORAL-2 का सफल परीक्षण किया तो यह पाकिस्तान ने किया है। जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया तो यह अफगानिस्तान है। हाल ही में जिस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को
लॉरियल स्पोर्टिंग मेमेंट अवार्ड दिया गया तो यह सचिन तेंदुलकर को दिया गया, जिसे हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त CSE नियुक्त किया गया तो विमल जुल्का को किया गया। भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए जिस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई, श्री रामायण एक्सप्रेस। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया, महंत नृत्य गोपाल दास, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2020 को जिस राज्य सरकार को अवैध रेत खनन पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश जारी किए तो यह राजस्थान सरकार ने। हाल ही में जिस संस्थान का नाम स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया तो रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। इथेनोलॉज के अनुसार यह भाषा जो विश्व की तीसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनी है तो यह है हिंदी। नेक्स्ट है दोस्तों, महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जिस दिन मनाई गई तो 19 फरवरी को। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 3 दिवसीय विशाल पक्षी गणना के दौरान पक्षियों के जितनी नई प्रजातियां पाई गई तो 2। हाल ही में जिसे राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बेट टोटको गेको की खोज की गई तो यह असम में की गई। भारत में जिस तारीख को भारत यूरो VI मानक डीजल पेट्रोल का उपयोग आरंभ किया गया तो यह 1 अप्रैल को किया गया। तो दोस्तों, यह सब फरवरी महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको यह पसंद आए तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए।